गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग काव्यांजलि के महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आपको हमने पिछली कक्षा में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय इत्यादि के विषय में पढ़ाया था। गीत महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध गीत काव्य संग्रह में संकलित प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा ने आलसी और प्रमादी व्यक्ति में चेतना का संचार करते हुए कहा है कि वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। इनकी रहस्यवादी भावना भी इस गीत में समाहित है। सांसारिक मोह माया में लिप्त जीव को वो सचेत करती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की ओर उसे सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, अर्थात सतत प्रयत्न वो करता रहे। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, चिर सजग निरंतर सजग रहने वाली आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। निरंतर सजग रहने वाली आंखों में आज ये किस प्रकार की उनींदी है, कैसा आलस भरा हुआ है और कैसा व्यस्त बाना है, कैसी वेशभूषा है। वो अपने साधना के मार्ग में तनिक भी आलस आने नहीं देना चाहती हैं महादेवी वर्मा जी, और वो अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, चिर सजग आंखें उनींदी, चिरकाल जो सदैव सजग रहती थी, जगी रहती थी, आज उन आंखों में इतना आलस कहाँ से आ गया है। कैसा व्यस्त बाना, कैसा बाना माने वेशभूषा, कैसी अस्त व्यस्त है। जाग, तुझको दूर जाना है। हे प्राण, तू जाग, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, अर्थात तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिल के हृदय में स्थिर हिमगिर के हृदय में आज चाहे भले ही कंपन हो जाए, अर्थात आज भले ही हिमगिर जो में कंपन हो जाए, वो कप कपा जाए, जो स्थिर है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, उसमें भले ही कंपन आ जाए, वो कपकपा जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित वे मरोले, और चाहे आकाश से प्रलयकालीन वर्षा होने लगे। अलसित वे मरोले, मौन और अलसित, मौन और अलसाया हुआ व्योम भले प्रलय के आंसुओं में रोले, प्रलयकालीन वर्षा हो जाए, होने लगे।
आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर की घोर छाया, अंधकार की घनघोर छाया भले ही प्रकाश को पी ले, निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठो तूफान बोले, और चाहे चमकती कड़कती बिजली में से तूफान बोलने लगे, निठो तूफान बोले, कठोर तूफान बोलने लगे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर तुम्हें उस विनाश वेला में अपने पद चिन्हों को छोड़ते चलना है, आगे बढ़ना है, साधना पथ से विचलित नहीं होना है, तुझे अभी आगे जाना है। तो इन सब संकटों को देखकर घबराना तुझे नहीं है, तुझे आगे बढ़ते जाना है। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने एक सच्ची साधिका के रूप में साधना के मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के रंग पर रंगीले। फिर वो कहती हैं महादेवी जी साधना मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं के विषय में बताती हुई कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन तुझे बांध लेंगे, तो उससे आकर्षित हो जाएगा और तू भटक जाएगा मार्ग। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीले पर जो हैं तेरे मार्ग की बाधा बन जाएंगे, अर्थात उनको उसमें तो उलझ जाएगा, अपने मार्ग से भटक जाएगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप भौरों की मीठी गुनगुनाहट जो है, क्या विश्व का क्रंदन भुला देगी? संसार का करुण क्रंदन करुणा भरे स्वर में रुदन सुनने से तुम्हें रोक सकेंगी? क्या उससे तुम रुक जाओगे? क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओम दल ओस गीले, ओस से गीले हुए फूलों के दल क्या तुझे भिगो देंगे, डुबो देंगे? तू ना अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुझको आगे ही जाना है, आगे बढ़कर अभी बहुत दूर अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तो ना अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, अपने प्राणों को पुनः वो संबोधित करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव ये है कि यह कि संसार के विविध आकर्षण तुम्हारी छाया मात्र हैं, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक
उद्देश्य को कहीं भूल न जाना। महादेवी जी कहती हैं कि हे प्राण जागो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है तथा साधना मार्ग के अनेक सोपानों को पार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अतः तुम्हारे लिए भी आलस का कोई काम नहीं, अतः तुम्हें किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया, देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। साधक को प्रबोधती हुई कहती है महादेवी जी कि हे साधक, तू इस संसारिकता में पढ़कर अपनी साधना से कभी विचलित मत होना। हे साधक, वज्र के समान कठोर, वज्र का उर एक छोटे अश्वकर में धूर्गलाया, वज्र के समान कठोर दृढ़ निश्चय तेरे हृदय को प्रियजनों के आंसुओं ने धोकर गला दिया है, पिघला दिया है। अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन सुधा, जीवन अमृत को दे करके तू दो घूंट मदिरा मांग लाया। तूने भावनाओं के आवेग में आकर के उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया। तूने अपनी अमृतमयी शक्ति और साहस को साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया। कहाँ से वो मदिरा का घूंट, आलस रूपी मदिरा का घूंट ले आया, मांग लाया। जीवन रूपी अमृत को दे करके आलस रूपी प्रमाद रूपी मदिरा का घूंट मांग लाया। प्राणों को संबोधित करते हुए उसे धिक्कारती हैं, उसे कहती हैं, ये तूने क्या किया। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे वसाना, जाग तुझको दूर जाना। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले, उपदान तकिया, बात हवा, हवा का तकिया लेकर मलय की आंधी, सो गई आंधी मलय की। मलयानल तथा मलय की हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी, क्यों सो गई। अर्थात तुम्हारा उत्साह पराक्रम कहाँ चला गया। अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों हो गया। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। तेरा आलस्य
तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, विश्व का अभिशाप चिर नींद बनकर, चिरकालीन नींद बनकर तेरे पास आ गया है। अर्थात साधना जीवन के लिए वो अभिशाप बनकर तुझे नष्ट कर देगा। ये आलस जो आया है, तेरा आलस तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बन करके तुझको नष्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना। तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है। अमरता सुत अमर पुत्र है, फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। तू तो अमर अमर पुत्र है, क्यों मृत्यु को उर में बसाना चाहता है। अर्थात तू जाग जाग, और तुझे अभी बहुत दूर जाना है, तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। इस अज्ञान की नींद से जाग उठो, और क्योंकि अभी तुम्हारे लक्ष्य का मार्ग बहुत दूर है, मार्ग बहुत लंबा है। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी जी मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए उसके आत्मबल को जगाने का आह्वान करती हैं और कहती हैं कि हे मनुष्य, जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। महादेवी जी ने इनसे छुटकारा प्राप्त करके साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वे कहती हैं, जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। वे कहती हैं, कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जल्दी कहानी। वो कहती है कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। वो जलती हुई कहानी को ठंडी सांस लेते हुए कहने से अब कोई फायदा नहीं है। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब तक हृदय में आग नहीं होती, तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का भी कुछ मूल्य नहीं होता है। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब हृदय में आग होगी तभी मनुष्य की आंखों से टपकते हुए आंसुओं की कीमत बढ़ेगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तेरी हार भी जो है वो जय की पताका बन जाएगी। माननी जय की पताका, सम्माननीय जय की पताका बन जाएगी। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार शैया पर मृदुर कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना।
कवित्री जी कहती हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में भी असफलता प्राप्त होती है तो वो भी किसी विजय से कम नहीं होती है। पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, राख छड़ी के पतंग की, पतंग ने पतंगा, पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ मिलकर अमर हो जाती है। इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट भी जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाता है। राख छड़ी के पतंग की है अमर दीपक की निशानी, अमर दीपक की निशानी बन जाती है पतंगे की जो क्षणिक जल जाने की, जलते हुए पतंगे की जो राख है वो अमर दीपक की निशानी बन जाती है। और तुझे है तुझे अंगार शैया पर मधुर कलियां बिछाना, और प्राणों प्राण को संबोधित करते हुए कवित्री जी कहती हैं कि तुझे अंगार रूपी शैया पर कोमल कलियां बिछाना है, जाग तुझको अभी दूर जाना है। हे प्राण तू जाग क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। यहां पर परमात्मा जो उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए रास्ते में मार्ग में साधक के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। इस बात के लिए कवित्री ने कहा है कि बहुत सारी बाधाएं आएंगी मार्ग में, मगर तुझे उससे विचलित नहीं होना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो राह ईश्वर की प्राप्ति की राह जो है बहुत ही कठिन है। बच्चों आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का काव्यांश हम अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।